क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों के बाद क्या होगी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, प्रारंभ में जो राशि है, प्रारंभ में राशि जो है वह कितनी थी, 500 रुपए थी, 500 रुपए थी। अच्छा, प्रथम वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, तो जितनी थी उसकी 10% बढ़ जाएगी, जितनी थी उसकी 10% बढ़ जाएगी। तो 500 ब्रैकेट में 1 प्लस, क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट बराबर जानते हैं ना, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 का पावर टी टाइम, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 10 बटा में 100, देख रहे हैं ना, 10% यह है और पावर में 1, प्रथम वर्ष की बात करें, ये कट जाएगा एक मिनट, 500 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.1 यानी कि 500 गुना में 1.1 रुपए, गुना करके जो आएगा वो 1 रुपए। अच्छा, द्वितीय वर्ष के अंत में जो राशि होगी वह कितनी हो जाएगी, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, 500 ब्रैकेट में 1 प्लस, यही आएगा ना, यही आएगा 0.1 का पावर 2 हो जाएगा, समझ गए ना, यानी कि 500 इंटू में 1.1 का पावर 2। तृतीय वर्ष के अंत में राशि जो होगी वह क्या हो जाएगी, तो वही 500 इंटू में 1.1 का पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से दस वर्षों के बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो 500 इंटू में 1.1 का पावर 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला